10 लाख से ज्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ हुई अंदर। जो भी यहाँ पर आएगा उसे तो यही लगेगा ना, ये सारे 7 वंडर्स में इनवाइट कर दो। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नितेश और आपका मेरे शो में स्वागत है। तो अभी हमें कोटा की वन मोर ब्यूटीफुल प्लेस 7 वंडर्स पार्क पे, तो अभी टिकट कटवा कर चलते हैं अंदर। मैम 2 टिकट दे दो। हाँ तो भाई, हमने टिकट कटवा लिया और टिकट का प्राइस था पर पर्सन का 10 रुपये था। और अभी मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा हूँ 7 वंडर में। फर्स्ट टाइम आया था जब मैं 11-12 साल का रहूँगा, जब मैं आया था यहाँ पे। और विशाल, तू? भाई मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। विशाल का तो फर्स्ट टाइम है भाई यहाँ पे। तो अभी हम सारे वंडर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कोलोजियम। तो गाइस, कोलोजियम एक एमपी थिएटर है। एमपी थिएटर हमारे क्रिकेट स्टेडियम की तरह होता है, बस फर्क यहाँ पर ये है कि हमारे स्टेडियम के अंदर क्रिकेट होता है और यहाँ पर होता है ग्लेडिटोरियल गेम। ग्लेडिटोरियल गेम बेसिकली वो गेम्स होते हैं जिनों के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को, बहुत सी बार यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, तो उनकी आपस में फ़ाइट करवाई जाती है। कोलोजियम को बनने में 10 साल लग गए थे और जब 10 साल बाद कोलोजियम बन के तैयार हुआ तो 100 डेज़ के ग्लेडिटोरियल गेम ऑर्गेनाइज़ किए गए। 100 डेज़ के ग्लेडिटोरियल गेम में बच गया भाई। 100 डेज़ के ग्लेडिटोरियल गेम में लगभग 9000 से भी ज़्यादा एनिमल्स की डेथ हुई और लगभग 450 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर 40 लाख से ज़्यादा एनिमल्स और 10 लाख से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ हुई अंदर। और गाइज, इसके अंदर होता था नवल बैटल। नवल बैटल बेसिकली वो बैटल होता है, शिप्स का बैटल होता है बेसिकली ये। तो ग्राउंड के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भरा जाता था और उसके बाद इसके अंदर शिप्स का बैटल होता था। कोलोजियम के अंदर बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह का था, सबसे जो पास में एरिना के पास में बैठते थे, ग्राउंड के पास में बैठते थे, उसमें बैठते थे एम्पीरियर्स, उसके ऊपर रिच पीपल्स, उसके ऊपर थोड़ा सिविलियंस और सबसे लास्ट में क्रिमिनल्स या स्लेव्स। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो सब लोग यहाँ पे आकर फ्री में देखते थे। यहाँ पर ये सामने एक मंदिर है, पानी का भी होगा ना इसमें, देखो होगा। अब पीने का ही है यार, मुझे तो यही पता है पीने का है। स्टाम्प पेपर बनवा दूं तेरे लिए? और क्या, मैं तो पी लेता हूं। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वंडर की तरफ। और मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस की है कि यहाँ पर सिर्फ 3 वंडर है, बाकी सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। बाकी सब हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग है, उनको भी 7 वंडर में डाला गया है। तो अब जो भी यहाँ पर आएगा उसे तो यही लगेगा ना, ये सारे 7 वंडर्स में। तो अभी हम चलते हैं पिरामिड ऑफ गीजा की तरफ। मैं आपको बता दूँ, ये एक वंडर नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग में आता है, लेकिन वंडर की लिस्ट में ये नहीं आता। पिरामिड ऑफ गीज़ा 7 वंडर्स में नहीं आता। और अगर मैं पिरामिड ऑफ गीज़ा के एक ईच स्टोन का वेट अगर आपको बता दूं तो ये होता है 2.5 टन से लेकर 15 टन तक, जो कि एक हाथी के वेट से कहीं ज़्यादा है। तो एक एवरेज पिरामिड को बनाने के लिए 20 लाख से भी ज़्यादा स्टोन्स का यूज़ होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ईच स्टोन का वेट 2.5 टन से लेकर 15 टन तक होता है। और अभी तक भी ये मिस्ट्री है कि इंसानों ने इसे कैसे बनाया। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वंडर की तरफ। अब देखते हैं वंडर है या फिर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसको इन्होंने वंडर की लिस्ट में डाला हुआ है।
ताजमहल को 2007 में न्यू वंडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। इसमें लोगों ने फोटो खिंचवाया अंदर अंदर घुस के इसके अंदर है। ये ताला लगा हुआ वहीं पे और क्या, वहां से अंदर जाके पहले जब बना था ना नया तब कुछ लगा हुआ था ना इसमें। अच्छा और क्या, तो अंदर घुस उसके मतलब क्या, तू अंदर की गिरा बिल्कुल अंदर और क्या। तो ताजमहल के जस्ट पास में यहाँ पर ब्रिज, तो आगे चल के देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो भाई यहाँ से स्टार्ट होती है बोट राइड्स, तो आप यहाँ से अपना टिकट लेकर तालाब का राउंड लेकर आप जग मंदिर पैलेस जा सकते हो जो कि वो सामने है। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको जग मंदिर पैलेस दिखाया हुआ है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, बोट प्राइस वगैरह कितना है मैंने आपको सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जाकर उसको ज़रूर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूँगा। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वंडर की तरफ। तो नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो चलो चलते हैं। तो अभी हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वंडर्स में नहीं आता अगर किसी भी मेरे भाई को विश्वास नहीं है तो, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा जब 2007 में न्यू वंडर्स की अनाउंसमेंट हो रही थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये फ्रांस के लोगों ने गिफ्ट किया था अमेरिका को, ताकि अमेरिका और फ्रांस के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग रहे और एक अच्छी फ्रेंडशिप है। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनकर तैयार हो गया था तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को शिप्स में कंटेनर्स में डाल के 350 पीसेस में डिसअसेंबल करके न्यूयॉर्क ले जाया गया था, और लगभग 4 महीने लग गए थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को न्यूयॉर्क में असेंबल होने में। मैं आपको बता दूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर पहले ब्राउन था, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर कॉपर की कोटिंग भी होने की वजह से बाद में बारिश आई, पानी का और कॉपर का रिएक्ट हुआ और बाद में ब्लू स्क्रीन हो गई। तो नेक्स्ट है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में कुछ है नहीं बताने के लिए। और पिज़्ज़ा को जब बनाया जाता था तब ये सीधी थी, लेकिन जब इसका थर्ड फ्लोर कंप्लीट हुआ, थर्ड फ्लोर के बाद ये थोड़ा थोड़ा झुकने लग गई, क्योंकि इसका जो ग्राउंड था वो काफ़ी सॉफ्ट था, तो इसलिए धीरे धीरे 8th फ्लोर आने तक लगभग ऑलमोस्ट 4 to 5 degrees ये झुक गई थी। तो नेक्स्ट है आईफिल, आईफिल टावर में 3 levels है, फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट वन थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड लेवल पर है मॉल और रेस्टोरेंट, और लास्ट वन पर आप जाकर व्यू देख सकते हो सिटी का। तो रात को आप आईफिल टावर के सामने अपनी पिक्स क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट के लॉ में आता है, अगर आपको इसके सामने अपनी पिक क्लिक करनी है तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी कोई वंडर में नहीं आता, 7 वंडर की लिस्ट में ये नहीं है। तो अभी हम चलते हैं क्राइस्ट द रिडीमर लास्ट वन, और लास्ट वंडर है हमारा क्राइस्ट द रिडीमर। इस 7 वंडर पार्क में सिर्फ 3 वंडर थे, बाकी सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी जो कि हमारे 7 वंडर्स में नहीं आती। तो अब यार जो भी यहाँ पर आएगा उसे तो यही लगेगा ना कि ये 7 वंडर्स है, बट अब ऐसा नहीं है, होगा कोई रीज़न। क्राइस्ट द रिडीमर के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये बेसिकली जीसस क्राइस्ट की एक स्टैचू है, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। और यहाँ पर आपको दिख जाती है शॉप्स, तो जो भी आपको खाना पीना आप यहाँ से खा सकते हो, मैं एक बार दिखा देता हूँ। और बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, ला जाए अंदर थोड़ा वहाँ पर हो जाते हैं। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।